हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि दी आप श्रद्धा कपूर का इंस्पायर मेकअप लुक कीजिए, साथ ही साथ आस्की टू का, और उन्होंने जो साड़ी वाला लुक क्रिएट किया है वही वाला लुक उनके साथ मुझे शेयर करना था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक लुक को करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ गुलाब जल, जो मैंने एक स्प्रे वाली बॉटल में डाल लिया। इसके बाद मैंने लिया मोर्फी का पैलेट, उसमें से मैंने ब्राउन शेड पिक किया और अच्छे से अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ, क्योंकि जब आप अपनी आईब्रो को फिल करती हो ना, तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक आता है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपकी आईब्रो को फिल करने के लिए, बहुत ही अच्छा ये। यहाँ पर मैंने लिया लिक्विड कंसीलर जो है NYV का, बहुत ही अच्छा है। इसको मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी, आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा ये कंसीलर है, बजट में भी है। इसको अब अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे दोनों ही आईब्रो को, यानी कि जो मैंने आईब्रो के ऊपर और नीचे लगाया था। इसके बाद मैं ले रही हूँ NYV का कंसीलर, मेरा शेड है गोल्डन 3, पूरे ही आईलेट पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना बने और हमारा आई मेकअप उभर कर आए। यहाँ पर मैंने लिया NYV का कॉम्पैक्ट, इसी से मैं अपनी जो मैंने कंसीलर लगाया था उसको सेट कर लिया। यहाँ से मैं पिक कर रही हूँ ऑरेंज शेड, और मेरा पैलेट है विल्टन वाइट का, बहुत ही पिगमेंटेशन है इसकी, जो पिगमेंटेशन है इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, सच बता रही हूँ। फिर मैंने लिया ब्राउन शेड और हल्का सा उसी पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्रीज लाइन पर हम अप्लाई कर रहे हैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर से, हल्का हल्का सा ब्लेंड करते हुए अप्लाई करना है आपको। और थोड़ा सा मैं ये वाला शेड मैंने लिया है जो वाइट टोन में है और सिमरी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नेचुरल लुक देगा, जब आप इस तरह का आई मेकअप करोगे ना बहुत ही प्यारा लगता है। फिर हम एक पफी ब्रश लेंगे, सेम वही वाला जो मैंने पहले लिया था, और हल्का सा ब्लेंड आउट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से आपको ब्लेंड आउट कर लेना है दोनों ही आई में। और इसके बाद अगर आप कोई बजट में लाइनर ढूंढ रहे हैं ना, तो NYV का बेस्ट ऑप्शन है, ये आपको 60 के अंदर आराम से मिल जाता है, बहुत ही प्यारा वाला है ये, मेरा ऑल फेवरेट हो चुका है, ऑल टाइम फेवरेट हो चुका है, काफ़ी अच्छा है बजट के हिसाब से। फिर मैं यहाँ पे ली हूँ लैक्मे का काजल, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, आप देख सकते हो फिनिश भी हो चुका है, मुझे दूसरा मंगाना है, तो मुझे बस यही पसंद आता है तो मैं इसे ही अप्लाई करती हूँ। इसके बाद मैं फिर से वही ब्राउन शेड लूँगी और हल्का सा, जस्ट हल्का सा ही अप्लाई करूँगी, ज़्यादा नहीं आपको अप्लाई करना, थोड़ा थोड़ा सा ही अप्लाई करना, दोनों ही आई में अच्छे से आपको अप्लाई करना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने लिया है लैक्मे का जो है मेरा मॉइस्चराइज़र ऑल टाइम फेवरेट, ये बिल्कुल लाइट वेट है, साथ ही साथ आपके फेस पे पिंकिस सा ग्लो देता है, बहुत ही अच्छा है। जब भी आप फाउंडेशन लगाइए तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, तभी आपका जो बेस है अच्छे से ही तैयार होगा। यहाँ पर मैंने लिया हुडा ब्यूटी का प्राइमर, जो बजट के हिसाब से मेरा फेवरेट है, 100 में यार आपको और क्या चाहिए, और ये थोड़ा सा चिपचिपा बन देता है, बट जब आप फाउंडेशन लगा लेते हो ना तो ये सेट हो जाता है, बट इसे एक मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है लैक्मे का फाउंडेशन, मेरा शेड है SPF 8, इसको अच्छे से ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद एक फ्लैट ब्रश लेंगे, उस पर थोड़ा सा मैं लूँगी अपना रोज़ टोनर, गुड वाइब्स का है, सॉरी गुड वाइब्स का टोनर है ये, बहुत ही अच्छा है। इसको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेंगे हर जगह पे। अगर आपका थोड़ा सा पैची भी है तो छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों। इसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, थोड़ा सा पानी में भिगोना है और दाब देना है, जितना पानी है स्ट्रे उसको निकाल देना है, इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेना है। इससे क्या होगा ना, आपका जो बेस है इतना अच्छा दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा क्लीन दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, और ये थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, तो इसको जो है ना आप अपनी स्किन के हिसाब से ही लीजिएगा, वरना थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ब्लैक कर देगा ये फाउंडेशन। इसके बाद कॉन्टोर कर रही हूँ मैं, क्योंकि आलिया जी का फेस काफ़ी ज़्यादा कॉन्टोर है, यानी कि स्लिम टाइप का है, तो कॉन्टोर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सॉरी श्रद्धा कपूर का नाम भूल गई थी यार, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जब भी आप कॉन्टोर करो तो हाईलाइट करना भी ज़रूरी है, जैसा कि सभी को पता है, अगर आप हाईलाइट नहीं करोगे ना तो आपका कॉन्टोर का शेप अच्छा नहीं दिखेगा और आपका फेस जो है ना दबा दबा दिखेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जहाँ आपके हाइट जो मतलब कि आई के नीचे और नोज पे और थोड़ा सा फोरहेड के सामने, तो इस तरीके से आपको कर लेना है, जहाँ जहाँ मैं कर रही हूँ सेम आपको वहीं पे करना है, इससे आपका फेस का शेप अच्छा दिखेगा, जो आपने कॉन्टोर किया है वो काफ़ी अच्छे से उभर कर आ जाता है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप हाईलाइट कर रहे हो ना तो ज़रूर, अगर आप कॉन्टोर कर रहे हो तो हाईलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये स्टेप मत भूलिएगा, ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मेकअप कर रहे हो तो। इसके बाद मैंने लिया हिमालय का बेबी पाउडर, इससे मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी, थोड़ा सा आई के नीचे जहाँ जहाँ पर हमने हाईलाइट किया था, यहाँ जहाँ जहाँ पर हमने कंसीलर लगाया था, वहाँ वहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लगा के एक मिनट के बाद या 30 सेकंड के बाद ऐसे ही छोड़ दूँगी, ठीक है। और फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम इसको अच्छे से निकाल देंगे, इससे क्या है ना आपका जो फेस का मेकअप है यार माइंड ब्लोइंग दिखता है, सच बता रही हूँ। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ लाइट कलर का ब्लशर,
ये ब्लशर मुझे 5 सेट मिले थे, बहुत ही अच्छा है, 300 में मिला था, 5 सेट और क्या चाहिए आपको यार। इसके बाद मैंने लिया सीज ब्यूटी का हाइलाइटर, इसमें आपको हाइलाइटर में 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, ब्लशर में 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, ब्राउनशर में 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट हो चुका है। और हाइलाइटर तो वैसे भी मुझे पसंद है, आपको पता ही है, जो मेरी पहले से वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा, अगर आप हाइलाइटर नहीं लगाते हो ना तो स्टार्ट कर दो, आपका फेस का लुक ही चेंज हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ग्लोई ग्लोई दिखेगा, तो हाइलाइटर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं लूँगी NYV की लिपस्टिक, और यहाँ पर मैंने लिया IDS का लिप लाइनर, इसको अच्छे से लिप लाइनर लगाऊंगी अपने होंठ पर। इसके बाद जो मैंने NYV की लिपस्टिक लगाई थी वो लगाऊंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा शेड अपना चेंज करूँगी, ये देखिए, क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी, मैंने उनकी जब पिक निकाली थी तो किसी में उनका जो मेकअप लिप का कलर था पिंक, किसी में हल्का रेड टोन में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने लाइट पिंक ही रख लिया। और इस तरीके से हम लगा लेंगे, और इसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी फॉल्सीज, और उसके बाद हम पहनेंगे एयररिंग्स, और ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है कुछ भी हो तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को और बोलूँगी यार, सच बता रही हूँ कि एक लुक क्रिएट करने में ना बहुत ज़्यादा तामझाम होती है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो रिक्वेस्ट करते हैं यार, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो वीडियो फुल वॉच किया करिए और लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। मिलती हूँ अच्छी से वीडियो के साथ, वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से लाइक और शेयर। ओके, बाय बाय।